आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या दौरे पर पहुंचे, जहां पहले तो उन्होंने रामलला और हनुमान गढ़ी में दर्शन पूजन किए, फिर राम की डगरी का विकास कार्यों का हाल जाना। और कुछ खास रहा सीएम योगी के इस दौरे में, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। विकास की राह पर अयोध्या नगरी, दूसरे कार्यकाल का दूसरा दौरा, सीएम रहते 35 बार से ज्यादा किए दर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही अयोध्या से चुनाव नहीं लड़े, पर वो रामनगरी वासियों के लिए अपने से कम भी नहीं रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए करीब 35 बार से ज्यादा अयोध्या आए, किसी मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा ये पहला रिकॉर्ड है। फिर चाहे वो दीपोत्सव हो या कोरोना की दूसरी लहर हो, सीएम हर सुख दुख में अयोध्या वासियों के साथ खड़े रहते हैं और एक बार फिर राम की नगरी में विकास की रफ्तार को जानने के लिए सीएम अयोध्या दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पुरानी परंपरा को बरकरार रखते हुए पहले हनुमान गढ़ी और राम नगरी में दर्शन पूजन किए। इस दौरान लोगों में सीएम योगी को लेकर उत्साह देखने को मिला। सीएम का बच्चों के प्रति लगाव किसी से छुपा नहीं है, अक्सर वो अपने दौरे पर बच्चों को दुलारते और पुचकारते हुए नजर आते हैं। इस बार भी सीएम हनुमान गढ़ी से रामलला के लिए जाते समय बच्चों को आशीर्वाद देते हुए नजर आए। इसके बाद वो आयुक्त सभागार में 19,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की समीक्षा करने पहुंचे। सीएम योगी के दौरे में कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम जरूर होता है जो जनता का ध्यान जरूर खींचता है। कुछ ऐसे ही इस दौरे पर भी देखने को मिला, जब वो भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए जमीन पर बैठकर एक दलित परिवार मनीराम के घर पर भोजन करते हुए नजर आए। बेहद सादगी के साथ सीएम परिवार के सभी लोगों के साथ भोजन करते दिखे। अयोध्या में जितनी तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उतनी ही तेजी से राम नगरी का कायाकल्प करने का भी काम किया जा रहा है। यही वजह है कि अब योगी और उनके मंत्री प्रदेश की धर्मनगरी में जमीनी स्तर पर काम करने के लिए उतर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे खास रिपोर्ट में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।